नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा शर्मा आपका अपने चैनल WNN न्यूज़ पर स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही खास विषय पर। हम बात कर रहे हैं 7 नवंबर 2018 दीपावली के पावन दिन के बारे में। हिंदू धर्म में दीपावली को बहुत ही बड़ा पावन दिन माना गया है। इस दिन का इंतज़ार हम पूरे साल भर में करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये दिन हमारे लिए कैसा रहेगा। हम 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। आपके लिए 7 तारीख 2018 का दिन कैसा साबित होगा। चलिए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे। सातवें भाव में रहने से 7 तारीख का ये दिन आपके लिए बहुत लक्की साबित होगा। ये समय धन का निवेश करने में आपको चौगुना मुनाफा भी होगा। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। ये समय आपके लिए शुभ साबित होगा। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगी में मधुरता बनी रहेगी। एक दूसरे के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। बिजनेस के लिए भी ये दिन काफ़ी अच्छा साबित होगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे। आपको दीपावली के दिन बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। इस दिन धन की हानि भी हो सकती है। आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है। ऐसे में आपको भी सावधानी बरतनी होगी कि आपको कहीं चोट ना लग जाए, आप गिर भी सकते हैं। आपको इस दिन एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई निवेश मत करें और लाल कपड़े धारण करें और कुमकुम का तिलक माथे पर ज़रूर लगाएं और सुबह उठते ही लाल फल खाकर ही घर से बाहर निकलें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। 7 नवंबर को चंद्रमा आपके पांचवे भाव में रहेंगे। पांचवे भाव में चंद्रमा के रहने से आपके लिए ये दिन लक्की साबित होगा। आपको संतान पक्ष से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जो लोग संतान पक्ष से वंचित हैं उन्हें माँ दुर्गा की कृपा अवश्य मिलेगी। इस समय आपकी गोद भी भर सकती है। ये दिन शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ शुभ समाचार लेकर आएगा। रिलेशनशिप के लिए भी ये समय शुभ है। जो लोग लव रोमांस में भरोसा रखते हैं आपके लिए ये दिन बहुत ही अच्छा है। अचानक से गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। जो भी लोग शेयर्स और लॉटरी में इन्वेस्ट करते हैं आपको अचानक से पैसों की प्राप्ति होगी। इस समय धन के निवेश में आपको चौगुना मुनाफा मिलेगा। आपके लिए दीपावली का दिन ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि में चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे। चौथे भाव में चंद्रमा के रहने से भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर में सजावट का नया सामान आएगा। ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप प्रसन्न और बेहद खुश रहेंगे। कामकाजी क्षेत्र में बोनस के योग भी बनते हैं। लोग आपकी सराहना करेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे। इस दिन आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। अगर आपकी इस दिन यात्रा होती है तो वो सफल ज़रूर होगी। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अपने भाग्य के भरोसे आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अचानक से आपको धन लाभ भी मिल सकता है। शेयर्स और लॉटरी में इन्वेस्ट करने से लाभ मिलेगा। इस समय आपको विदेश से कोई नई खुशखबरी आपको मिल सकती है। छोटे भाई बहन से आपको कोई लाभ मिलेगा। उनके साथ संबंधों में मधुरता भी आएगी। इस समय आपके घर धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। इस समय धार्मिक कार्य और निवेश यात्रा के लिए आप कोई प्लान बना सकते हैं। परिवार के साथ पुराने मनमुटाव चल रहे हैं
तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे, आपके लिए बहुत ही शुभ अवसर है धन कमाने का। अगर आप धन का निवेश करते हैं तो आपको चौगुना मुनाफा होगा। आपकी बोलचाल में भी मिठास नजर आएगी, लोग आपसे आकर्षित होंगे। परिवार में मनमुटाव चल रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। अगर आपकी सेहत खराब है तो उसमें भी सुधार आएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको पूरी तरह से मिल रही है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। चंद्रमा आपके लगन भाव में रहेंगे, पर्सनैलिटी में भी आपके निखार आएगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे। घूमना फिरना, दोस्तों के साथ उठना बैठना आप पसंद करेंगे। यह समय आपके लिए बेहद उत्तम है। ये समय आपके परिवार में मधुरता लाएगा। एक दूसरे के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। बिजनेस और नौकरी दोनों में ही मुनाफा होगा। लाभ के योग भी हैं, आपका दिन शुभ रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेंगे, दिन आपके लिए अशुभ साबित होगा। कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जिसके लिए आपको आगे जाकर पछताना पड़े, तो सतर्क रहें और सावधानी बरतें। नेत्रों से संबंधित कोई रोग लग सकते हैं, कोई परेशानी भी आ सकती है। इस समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप दिवाली के समय पटाखे चलाते हैं तो इस समय सावधानी बरतें। परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है, इस समय आपको भी ज़रूर उपाय करना चाहिए। आपको लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और लाल तिलक लगाकर ही आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेंगे, 11वें भाव में चंद्रमा के रहने से दिन आपका मिला जुला साबित होगा। सिर्फ आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, बाकी आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इस समय आपको बहन और बड़े भाइयों का सपोर्ट भी मिलेगा। अचानक से घर में धन की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस और मार्केट दोनों में आपको मुनाफा होगा। अगर आप इस समय प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो आपको मुनाफा ज़रूर मिलेगा। इस समय आपको कामकाजी मामलों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेगा, कामकाजी क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सराहना करेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको पूरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि का चंद्रमा 9वें भाव में रहेगा, 9वें भाव में रहने से आपका दिन बहुत भाग्यशाली रहेगा। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। हर काम में आप लक्की साबित होंगे। धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा और विदेश यात्रा से आपको लाभ होगा। इस समय आप ऐसा कोई प्लान बना सकते हैं जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। आपको अपने भाई बहन का भी पूरा साथ मिलेगा। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे, आपको इस समय सावधानी बरतनी होगी। सेहत आपकी खराब हो सकती है, इस समय आपको सतर्क रहना होगा। इस दिन हो सके तो लाल कपड़े ही धारण करें और लाल रंग का फल जरूर खाएं। तो ये तो थी दीपावली के दिन यानी 7 नवंबर के दिन आपकी राशि क्या कहती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।